आज इम्प्रूवमेंट की जा रही है तो अगले भी आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो गांव के लोगों को क्या करना चाहेंगे? हम हटाएंगे इम्प्लॉयमेंट जो जिस कदर भी है, ये हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की हमें डायरेक्शन दें, ये उसके बाद हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन दें, जहाँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट की होगी लोगों ने, ये तो रोड है, ये सेंटर से 30 फुट होता है इधर और 30 फुट दूसरी तरफ है, तो हमने बाकायदा लोगों को आगाह भी किया था, कुछ लोगों ने खुद हटा दिए हैं, जिन्होंने नहीं हटाए हैं वो आज हम हटा रहे हैं, और ये जो हमारा सिलसिला है ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक पूरी नगरी के जितनी भी स्टेट लैंड लोगों ने इंक्रोच करी है, स्टेट लैंड है, काजराई है, वो खाली नहीं होगी। हमारी ये जो मुहिम है ये डेली बेसिस पर है, ये नहीं कि आज किया और फिर नहीं करेंगे, ये डेली बेसिस पर हम मुलाकात ले रहे हैं और इंक्रोचमेंट को हटाएंगे, इस पर कोई शक नहीं।
ऐसा कह रहा था कि आज सुबह जब आपने योजना शुरू की तो स्कूलों नालों से शुरू किया है, तो थोड़ा सा करके आप गांव की तरफ आ गए, तो तब तक स्कूलों नालों को भी साफ किया जाएगा। ये नहीं, हम तो आज ही पहले गए थे कि जो हमारी कुख्यात ब्रह्मौरी के नाल है, इसके अडजॉइनिंग जो लैंड थी जिसको लोगों ने इंक्रोच किया था, उसको हम खाली करवाने के लिए गए थे, मगर बदकिस्मती हमारी जेसीबी जो है वो वहाँ दस गई पानी था और हमें थोड़ा काम करके ही वापस आना पड़ा। तो हम देख रहे हैं कोई अल्टरनेटिव इसका ढूंढ रहे हैं, एक चैन वाली जेसीबी होती है उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, जब वो जेसीबी मिलती है हम दोनों तरफ से इसकी इंक्रोचमेंट जो है वो हटा देंगे। कोई भी रास्ता, कोई भी पूल चैनल जो है, मीन बॉर्डर वाड़ी का कोई भी है, बिना किसी के कहने पर जहाँ जहाँ हमें मिल रहा है जहाँ पर उसको हम खाली करवा लेंगे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? लोगों को तो मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि अपना नुकसान नहीं करवाएं और ना ही इंक्रोचमेंट करें। जहाँ जहाँ आपने इंक्रोचमेंट की है उसको अपने आप खाली कर दें, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो अगर जो हम खाली करवा रहे हैं, इसमें भी मैं थोड़ा वाजिया कर दूँ, अगर कोई आदमी दोबारा इंक्रोचमेंट करता है तो हम उसके खिलाफ़ FIR लगाएंगे, मैंने लगाई हुई भी है इससे पहले भी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई दोबारा इंक्रोचमेंट करता है तो उसके खिलाफ़ FIR लगेगी। एक चीज़ देखी जा रही है इसी इंक्रोचमेंट, एक चीज़ देखी जा रही है, वो जो सुबह से मैंने जब से आपने शुरू किया इंक्रोचमेंट, तो लोग आपका सहयोग कर रहे हैं उसको लेकर? मैं लोगों का बहुत आभारी हूँ, लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने हमें फुल कोऑपरेशन किया है और एडमिनिस्ट्रेशन की बात को माना है, मैं इसके लिए लोगों का बहुत आभारी हूँ। और स्पेशली मेरी टीम, अपने रेवेन्यू के मेरे तहसीलदार हैं, गिरदावर हैं, पुलिस टीम है और इनके साथ हमारी पब्लिक जो है, पब्लिक का मुझे फुल कोऑपरेशन है, कहीं भी से कोई भी ऐसी रुकावट वाली बात नहीं पैदा हुई। धन्यवाद। काम किया जा रहा है तो लोगों को क्या पहले आगाह किया गया था? देखा जा रहा है थोड़ा सा विरोध भी हो रहा है, समय मांगा जा रहा है, तो नहीं, हमने लगभग कोई 20 दिन पहले मैं खुद यहाँ पे आके एक एक दुकानदार को कह के गया था कि ये आपने जो इंक्रोचमेंट कर रखी है मार्केट में, इसको अपने आप से अगर हटा लेते हैं तो ठीक है। तो जब 20 दिन गुजरने के बाद हमने देखा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी वो इस वक्त टाइम मांग रहे हैं, तो इस वक्त हम टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमने सारा जैसे भी का मशीन का और दूसरा पुलिस वगैरह कर रखा था, इसलिए अपना शुरू हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे ज़िला में किसी मसौली में, महानपुर में और रामपुर वगैरह में और खास करके हमारा सब कठुआ की जो हदायत हैं उसी के मुताबिक ज़िला कठुआ के अंदर सब जगह ये मुहिम जो शेडी हुई है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, उसी की ये कड़ी है। और इस नाते से आज आपने नगरी जो ग्राहक उड़ा है इस पर आज आपने जो नगर काम किया है, उसका जो नष्ट देश होगा उसका गुजार भी होगा, क्या मैसेज देना चाहूँ लोगों को जिन्होंने शायद आगे बढ़ा रखी है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों को जिन्होंने सरकारी रकबा या PWD के रकबा या नहर के रकबों पर बिना वजह जो है इंक्रोचमेंट कर रखी है, तो हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि वो अपने आप से अगर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमें मजबूरन फिर खुद ही हटाना पड़ेगा। ये जो इंक्रोचमेंट है ये नगरी से लेकर और काफ़ी किस किस एरिया में चलेगी आपके जहाँ कहीं भी हमें ये नोटिस में आएगा और जहाँ कहीं भी लाओ नहीं।